अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूँगा जावास्क्रिप्ट का इफ इल्स स्टेटमेंट। क्या इफ इल्स क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो हम किस तरह मतलब के डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने पहली वीडियो में एरेज किए थे, जिसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक सिंपल एरे था, और फिर दूसरा हमने डिक्लेयर किया था न्यू कीवर्ड के साथ। हम तो अभी हम डिस्कस करेंगे इफ इल्स को लेके हुए। इफ इल्स हमारे पास नॉर्मल यूजेज है इसकी। ये हमारे पास एक नंबर हमने वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसको मैंने वैल्यू 34 रखी। फिर मैं इसी के ऊपर अभी आप लोगों को इफ इल्स का स्टेटमेंट रन करवा के दिखाऊंगा। नंबर इफ नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू 30, अगर ये नंबर हमारे पास ग्रेटर या इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, मतलब ये नंबर 30 हमारे पास बड़ा हो या इससे इसके बराबर हो, तो फिर मुझे ये मैसेज इफ के अंदर जो मैसेज मैं लिखना चाहता हूँ वो मुझे डिस्प्ले करवा देना। बड़ा सिंपल है। फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये नंबर जो नंबर के अंदर है हमारे पास, चल मैं इसको ज़रा आप लोगों को आसान करके दिखा देता हूँ। ए ए ए हमारे पास ये जो ए में स्टोर हुआ किया गया नंबर है, अगर ये ग्रेटर है या इसके बराबर है, किसकी बराबर है, 30 की बराबर है, तो फिर मुझे ये मैसेज दिखा देना। ये मैसेज दिखा देना, यू आर पास इन द एग्ज़ाम। ठीक हो गया। अदरवाइज मुझे इल्ज में लेके जाना, मुझे अलर्ट करवाना के यू आर फेल फेल इन द एग्ज़ाम। सो ये रहा मेरे पास इफ इल्स का। अभी इसको हम रन करके दिखाएंगे आप लोगों को। यू आर पास इन द एग्ज़ाम, ये मैसेज मेरे पास क्यों प्रिंट हो गया है? ये इसलिए प्रिंट हो गया है कि ये हमारे पास 30 से ये जो नंबर है ये बड़ा है, ये ग्रेटर है। 30 से ये नंबर हमें क्या मिला, ग्रेटर मिला। अगर मैं 30 से ये छोटा रखूं, तो अभी मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा तो ये इल्ज में चला जाएगा, यू आर फेल इन द एग्ज़ाम। सो जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया है यहाँ पे। क्यों हमें चाहिए था, जो भी हमारा मकसद था वो इसके साथ पूरा हो गया। वो क्या था, अगर हमारे पास नंबर ए में जो स्टोर है वो बड़ा है, तो मुझे एफ वाला दिखा देना अलर्ट। अगर अदरवाइज वो बड़ा नहीं है तो मुझे वही वाला जो है ना प्रिंट करवा देना इल्ज में जो हमारे पास है। उम्मीद है भाइयों आप लोगों को इफ और इल्स की कंसेप्ट क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो में कोई मसला है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।